अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त सब ठीक होंगे। मैंने दोस्तों आज मैं बताना चाह रहा था कि मेरे पास कनेक्ट की डिवाइस आ गई है। कनेक्ट के क्या फ़ायदे हैं? और कनेक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इससे मोबाइल लोड भी कर सकते हो। जैसे कि दूसरा मोबाइल लोड आपके पास ख़त्म हो जाता है तो आप कनेक्ट से भी मोबाइल लोड खरीद सकते हैं। और बाकी मैं आपको तफसील एप्लीकेशन में शो करवा देता हूँ। इसमें एजेंट ट्रांजैक्शंस मतलब इसका मतलब है कि जो एजेंट की अपनी ट्रांजैक्शन है, कस्टमर की नहीं, एजेंट की अपनी। बाकी ओटीसी ट्रांजैक्शन, इसमें दूसरी सारी ट्रांजैक्शनें आ जाती हैं। ये आईडी कार्ड सेंडिंग की हैं, डीआर सेंड, बायोमेट्रिक रिसीव वगैरह। इसमें आप आईडी कार्ड पर जो रकम सेंड करते हैं वो सेंड कर सकते हैं बायोमेट्रिक से। रिसीव का मतलब रिसीव कर सकते हैं, रिवर्सल रिवोक इसे कैंसिल कर सकते हैं और या वापस मंगवा सकते हैं। कैंसिल करनी है तो फिर इस ऑप्शन से हो जाएगी, अपडेट करना चाह रहे हैं तब भी हो जाएगी। और फिर इसमें बिल पेमेंट की भी ऑप्शन है, आप जो उन सभी चाहें बिल पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें अकेले बिल नहीं, इसमें बहुत सारी ऑप्शन मज़ीद हैं जो इजी पैसा जायज़ कैश में नहीं है। मिसाल के तौर पर इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, पोस्ट पेड बिल, प्रीपेड टॉपअप, ये सब कुछ तो पहले भी हो रहा था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। एजुकेशन, इसमें बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी आप फ़ीस पे कर सकते हैं। जो सबसे मशहूर स्कूल हैं वो इससे पे कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो HPL से कनेक्ट हों, इन सब स्कूलों की आप फ़ीस पे कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद लोन रीपेमेंट, आप लोन रीपेमेंट भी कर सकते हैं इससे, जो इजी पैसा से भी हो जाती है। फिर ज़कात एंड डोनेशन, आप ज़कात दे सकते हैं, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन वगैरह को ज़कात दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। उसके बाद वाटर सैनिटाइजेशन, आप पानी का बिल भी पे कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आती है ई वाउचर की, आप 100 वाला कार्ड जैसे नहीं होता वाउचर होते हैं जो, वो बैलेंस कार्ड ले सकते हैं इससे। बैलेंस कार्ड के बाद ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट, जो डिवाइस के पैकेज होते हैं वो कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा फ़ायदा जो कहीं नहीं होगा ये है कि आप टैक्स पे कर सकते हैं SRB और SECB के। उसके बाद लैंडलाइन बिल पेमेंट, ये इजी पैसे में भी है। ऑनलाइन शॉपिंग, अगर आपने कोई ऑर्डर किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से तो वो भी पे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का ऑर्डर नंबर लिख के। फिर आप बैंक का क्रेडिट कार्ड भी पे कर सकते हैं, सुपर कार्ड ले सकते हैं। सुपर कार्ड में कौन कौन से हैं? सुपर कार्ड सिर्फ यूफोन के ले सकते हैं, यूफोन के सारे सुपर कार्ड इसमें मौजूद हैं। तो ये था बिल पेमेंट। उसके बाद बुक बिल पेमेंट, इससे आप मिसाल के तौर पर आपके पास काफ़ी बिल पड़े हैं जो आप पे करना चाह रहे हैं तो आप बिल पे कर सकते हैं एक ही साथ सारे चूज़ करके। मिसाल के तौर पर मैं आइस्को के बिल पे करना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैं ऐड करता जाऊँगा और सारे ही बिल एक ही जगह पे ऐड कर सकता हूँ एक ही टाइम पे। इस तरह पे करने में आसानी हो जाती है। फिर आप कैश विदड्रॉल, बायोमेट्रिक विदड्रॉ कर सकते हैं, यानी किसी के पैसे आए हैं वो रिसीव कर सकते हैं। या अकाउंट ओपन बायोमेट्रिक, HPL कनेक्ट का जो सादा अकाउंट होता है कस्टमर अकाउंट वो ओपन कर सकते हैं, बायोमेट्रिक कर सकते हैं उसके। फिर सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है जो आपने कहीं नहीं देखा होगा, अदर बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र। इससे ये होता है कि जो आपके इजी पैसा अगर आपसे 300 रुपये बैंक ट्रांसफ़र के ले रहा है ना, ये उसी रकम के 150 रुपये लेगा। और फिर अगर आप HPL में ट्रांसफ़र करते हैं तो HPL में ये बिल्कुल फ्री है, आप कनेक्ट के ज़रिए HPL में बिल्कुल फ्री पैसे सेंड कर सकते हैं। उसका तरीका भी जानने के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यही कि इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है, एक तो बैंक चार्जेस हाफ़ हैं और दूसरा अगर आप
ट्रांसफ़र करते हैं HPL में तो वो बिल्कुल फ्री है। ये कस्टमर के लिए सबसे बड़ी सहूलत है, कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी, इससे आपके कस्टमर ज़्यादा आएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक अकाउंट से, एक कनेक्ट अकाउंट से पैसे निकाल कर दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने रिटेलर से, फिर अकाउंट टू CNSE ट्रांसफ़र, फिर किसी कस्टमर के अकाउंट से CNSE ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी कि उससे उसके पैसे CNSE ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद इसका QR भी होता है, आप QR बना के वो भी लगा सकते हैं, QR बना के आप अपनी दुकान पे लगा दें, कोई कस्टमर आएगा वो इसके ज़रिए पे कर सकेगा। जैसे कि मेरी दुकान का नाम अलमक्का ट्रेडर है तो मैं इसका QR बनाना चाह रहा हूँ, तो उसी वक्त QR बना के दे देगा, या आप प्रिंट निकलवा के अपनी दुकान पे लगा लें और कस्टमर इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था मेरे दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। फिर इससे आप कमीशन डिटेल निकाल सकते हैं, इस महीने की कमीशन डिटेल, फिर एजेंट टारगेट्स, ये टारगेट भी देता है, अगर आप टारगेट पूरे करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ स्कीमें निकलती हैं, जैसे कि बाइक कार वगैरह इनाम में निकलती है। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये UBL ओमनी से सबसे बेस्ट वे यही है कि UBL ओमनी छोड़कर इस पर आ जाएं, क्योंकि ये कनेक्ट उससे भी अच्छी है, इसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं और ये आसानी से मिल भी जाती है। थैंक्स मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस तरह के कोई और वीडियो भी बनवानी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।